हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आपके बाल देखने में बहुत ज़्यादा दो मुंह हो गए हैं, या फिर आपके बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, या फिर आपके बाल नहाते समय बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं, कंघी करते समय बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं, या फिर सोते समय बहुत ही ज़्यादा टूटते झड़ते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और आप काफ़ी सारी चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं ताकि आपके बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, बालों का टूटना झड़ना बंद हो जाए, और बहुत ही कम टाइम में आपके बाल बहुत ही ज़्यादा काले, घने, लंबे, सिल्की, शाइनी और खूबसूरत हो जाएं। लड़के भी चाहते हैं कि उनके बाल बहुत ज़्यादा घने रहें ताकि उनका एक अच्छा हेयर स्टाइल निकल सके, बट ऐसा नहीं होता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए नुस्खा बनाऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा हेल्थी बना सकते हैं, बालों का टूटना झड़ना रोक सकते हैं, बालों की लंबाई 10 गुना तेजी से बढ़ा सकते हैं, और अपने रूखे सूखे बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी बना सकते हैं। गाइस, चार चीज़ें चाहिए आपको इसे बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए दही। गाइस, एक कटोरी के अंदर आपको 2 से 3 चम्मच दही आपको ले लेनी है। घर की जमी हुई दही आप ले सकते हैं। ये देखिए गाइस, 3 चम्मच दही मैंने एक साफ कटोरी में ले ली है। गाइस, दही की मदद से आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी होंगे और बालों की लंबाई भी तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगा, इस चाय पत्ती का पाउडर। आपको चाय पत्ती लेनी है और उसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के कुछ इस तरीके से पाउडर फॉर्म में आपको बना लेना है। और गाइस, 1 चम्मच चाय पत्ती पाउडर इस कटोरी में आपको ऐड कर देना है। गाइस, चाय पत्ती के अंदर वो सारी खूबी होती हैं जो आपके बालों की लंबाई बढ़ाती है। अगर आपके बाल जड़ से सफ़ेद हो रहे हैं तो उसे जड़ से काला करती है और बालों को सिल्की शाइनी बनाती है। गाइस, तीसरी चीज़ जो ऐड करनी है वो है कोकोनट ऑयल। अगर आपके घर में कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप मार्केट से ले आइए। कोकोनट ऑयल के इस्तेमाल से आपके बाल सिल्की शाइनी होते हैं, बालों की लंबाई बढ़ती है, बालों के सफ़ेद होने की समस्या खत्म होती है, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों पर कोकोनट ऑयल बहुत ही तेज़ी से असर करता है। 1 चम्मच के बराबर कोकोनट ऑयल भी इसमें ऐड कर दीजिए। ये देखिए गाइस, कोकोनट ऑयल भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब तीसरी चीज़ जो ऐड करनी है वह गाइस, विटामिन ई कैप्सूल। आपको 2 विटामिन ई कैप्सूल ले लेने हैं। विटामिन ई में वो सारी खूबियाँ होती हैं जो आपके बालों की लेंथ बढ़ाती है, आपके रूखे सूखे बालों को सिल्की शाइनी बनाती है, और आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाती है, जिससे आपके बालों का टूटना झड़ना बंद हो जाता है और बालों की चमक भी 10 गुना तक बढ़ जाती है। तो 2 विटामिन ई कैप्सूल भी इसके अंदर ऐड कर लीजिए। दो विटामिन कैप्सूल मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अब गाइस, आपका नुस्खा बनकर तैयार होगा जिसके इस्तेमाल से आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी, आपके बाल सिल्की शाइनी होंगे और दो मुंहे बालों की समस्या भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पहले आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक आपको उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ आपस में मिक्स हो जाए। ये देखिए गाइस, मिक्स होने के बाद ये कुछ इस तरह का पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब गाइस, ये एक सीरम की तरह बनकर तैयार हो गया है। इसे आपको अपने बालों में लगाना है। बालों में लगाना बहुत ही आसान है। जिस तरह से आप अपने बालों में कोई भी कंडीशनर लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, उसी तरह से आप इसे अपने बालों में लगा सकते हैं। और गाइस, बालों की जड़ों में लगाने के बाद बालों के सिरे तक आपको उसको अच्छे तरीके से लगाना है। गाइस, जब ये पूरे बालों में अच्छे तरीके से लग जाए तो कम से कम 1 या 2 घंटे के लिए आप इसे अपने बालों में लगा रहने दीजिए। ये प्रक्रिया आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। गाइस, ना लगाने के 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लीजिए। और गाइस, जब हफ्ते में 2 बार आप इसे ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके बाल टूटने झड़ने बंद हो जाएंगे, आपके बालों की ग्रोथ पर भी आपको बहुत ही अच्छा असर दिखाई देगा। और गाइस, 1 बार के इस्तेमाल से जो आपके बाल सिल्की शाइनी नहीं है, दो मुहे दिखाई देते हैं, रफ ड्राई दिखाई देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाएंगे और बालों की चमक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो गाइस, अगर आप भी बालों की समस्या से परेशान है तो आप इस नुस्खे को ट्राई कर सकते हैं। 100% आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, वो बिना किसी साइड इफेक्ट के। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।